हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूही एनीवर्स चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। कुछ DIYs हैं साड़ी के, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखें, लास्ट तक बने रहें वीडियो पे। और आपको डिज़ाइंस वगैरह कैसे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें। गाइज, ये मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी जो मैं इसकी DIYs करना चाहती थी। कुछ ओल्ड साड़ी थी जो मैं कन्वर्ट करना चाहती थी, किसी किस तरीके से यूज़ करूँ और कैसे मतलब यूज़ में लाऊँ। साड़ी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो वो ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा उसका कुछ किया जाए। तो ये मेरी फ़र्स्ट साड़ी है, ये पिंक कलर की। तो उसका मैंने एक टॉप बनाया है, ये मैंने खुद ने स्टिच किया हुआ है। इसका जो बॉर्डर था ये ब्लू कलर में, वो मैंने रिमूव करके उसे द फ्रंट में लगा दिया है, ताकि थोड़ा सा गेटअप आ जाए। और सिल्वर कलर की लेस जो है डायमंड की, वो मैंने यहाँ पे नेक पे लगाई है, ताकि इससे थोड़ा इन्हेंस हो जाए और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बनने के बाद। और ये जब साड़ी मतलब ऐसी हल्की फुल्की मुझे काफ़ी पसंद थी, तो मैंने ये साइज़ इसका कुछ फैब्रिक बच गया था, जो उसके लिए मैंने अपनी ईवा के लिए, मेरी बेटी के लिए एक चनिया चोली तैयार किया, जो प्ले ग्रुप स्कूल में जब उसका नवरात्रि फंक्शन के लिए मैंने वो स्टिच किया था। गुजराती गेटअप आने के लिए मैंने उसमें आबले वाली जो लेस होती है गुजराती गेटअप के लिए, मैंने वो काफ़ी मतलब ढूंढ के और चूज़ करके मैंने वो उस पर लगाई थी। ये इसका एक पल्लू का हिस्सा है, जिससे मैंने उसकी चोली बनाई थी। और ये नीचे उसका मैंने घाघरा स्टिच किया था, जो बनने के बाद बहुत ही अच्छा और क्यूट लग रहा था। साइड में मैंने मतलब उसकी डोरी बनाई। और जो ये जो नीचे जो बॉर्डर नज़र आ रही है, ये ऑलरेडी साड़ी में थी, ये वही एज़ इट इज़ बॉर्डर है। सिर्फ मैंने ऊपर से कट करके इसका नेफा बना के, नाड़ी वगैरह डोरी वगैरह बना के मैंने लगा दी है। ये मैंने उसके नवरात्रि के लिए फंक्शन के लिए स्टिच किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरा कंप्लीट साड़ी इसमें यूज़ हो गई, मतलब ईवा की चनिया चोली और मेरा जो एक टॉप निकला था उसमें, ये हम दोनों का ड्रेस रेडी हो गया था। और इसके बाद एक छोटी सी मैंने उसके लिए दुपट्टा बनाया था, एक छोटू सा, ताकि और अच्छा लगे। तो ये देखिए, उसके लिए दुपट्टा, मैंने कपड़ा बच गया था तो उसके लिए मैंने दुपट्टा बना दिया। बच्चों को बहुत शौक होता है ना दुपट्टे का, तो ये मैंने उसके लिए बना दिया था। और ये देखें आप, उसके फ़ोटोज़ भी मैंने यहाँ पे अटैच किए हुए, कैसे क्यूट लग रही थी। देखिए, नॉर्मली 6 मीटर की साड़ी होती है, तो उसके लिए बहुत इजी होता है हम दोनों के लिए, माँ बेटी के लिए ड्रेस निकालना। और देखिए, ये मेरी दूसरी साड़ी है ब्लैक कलर की, जिसमें सिल्वर कलर की टिकली और जो स्टोन उससे डिज़ाइन किया हुआ था, काफ़ी हेवी है। इसका पल्लू भी काफ़ी हेवी था, ये मैंने आई थिंक एक दो बार पहनी होगी, बट ये बहुत हेवी है तो मुझे नहीं जम रही से, मतलब कैरी नहीं कर पा रही थी मैं। तो ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, मैंने सोचा इसका क्या करूँ, तो फिर मैंने इसको भी फ्लोर टच गाउन बना दिया, स्क्वायर नेक रख के ये मैंने ऊपर लगा दिया। फ्रंट में ऊपर की जो कोटी है वो पूरी सिंपल थी एज इट इज़, बीच बीच में थोड़ी बूटियाँ थी जो मैंने स्लीव्स पे ले ली। और बाकी इसका जो मेन पल्लू था वो काफ़ी भरा हुआ था, उसको मैंने सिर्फ पल्लू फ्रंट में ले लिया। ये देखें, ये सिर्फ पल्लू मैंने फ्रंट में ले लिया, और बैक में थोड़ा हल्का फुल्का सा काम है। ये फ्रंट में पूरा काम था, जो मैंने जो पल्लू का हिस्सा, ये मैंने फ्रंट में ले लिया। ये आप देखें कितनी हेवी है, ये ऐसे ही इतनी हेवी लगती थी तो मुझसे कैरी नहीं हो पा रही थी, बट ये मैंने बनने के बाद पहनी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लगा। और आजकल के स्टाइल और फैशन के हिसाब से बराबर जा रही थी। ये मैंने कमर से थोड़ा सा जो प्लेट्स लेके इसको मैंने फ्लोर टच गाउन बना दिया। और इसमें तो मैंने ईवा के लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये पूरी सारी कंप्लीट मुझ में ही फिनिश हो गई, और तब ईवा भी काफ़ी छोटी थी, इसलिए मैंने उसका कुछ बनाया नहीं। और जो ख़ास बात ये है कि इसका जो पेटीकोट का हिस्सा होता है, जिसे पेटीकोट कहा जाता है, परकर जो कहा जाता है, जो साड़ी के नीचे पहना जाता है, उसे तक मैंने छोड़ा नहीं है मैंने उसका भी यूज़ कर लिया एज अ अस्तर। मैं उसको हमेशा अंदर लाइनिंग में यूज़ कर लेती हूँ एज अ लाइनिंग, तो वो भी काम आ जाता है, वो भी रीयूज़ हो जाता है। और फिर उसके बाद ये वाला जो दुपट्टा है, ये मेरी सिस्टर ने गुजरात से मेरे लिए बाय किया था, सिर्फ 100 रुपीज़ का था, ये कम्प्लीट उसके ऊपर मैच हो जा रहा था।
और आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है ब्लैक कलर में, और ये जो आबले जो कहा जाते हैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी सी टिकलियाँ ये वो थी। सडनली ये मिल गया और ये कंप्लीट मैच हो गया, और ये जो ड्रेस था मैंने अपनी कज़िन सिस्टर की शादी में पहना हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था आप देख सकते हैं। इसके बाद है मोस्टली मैं अपनी सिल्क साड़ी या तो फिर एक दो मेरे पास जॉर्जेट साड़ी थी बस, ये मेरी थर्ड साड़ी है आप देख सकते हैं, पिकॉक कलर में थी ये, मोर पीच कलर में, और ये गोल्डन गोल्डन कलर के ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए थे शाइनिंग में, और इसकी बॉर्डर इस तरीके से थी। इसके ऊपर लेस एज इट इज़ जो थी बॉर्डर पर लगी हुई है उस तरीके की थी, सिर्फ ये बॉर्डर को मैंने निकाल के जो कमर पर ले लिया था, और जो लेस जो भी था सब कुछ मतलब साड़ी के अंदर से ही निकाल के लगाया हुआ था, इसमें एडिशनल मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें। और ये थोड़ा मैंने नी तक की इसकी लेंथ रखी थी, और इसके साथ इसी कलर का प्लेन जो दुपट्टा और जो चूड़ीदार थी वो मैंने वेयर किया था। तो ये सब कुछ मतलब इसमें ही थी एज इट इज़ लगी हुई थी ये सारी लेसेस, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप देख सकते हैं जो लेस था ये हिस्सा इसके पल्लू पर लगा हुआ था, प्रॉपर पल्लू नहीं था सिर्फ नीचे इतने ही लगा हुआ था, तो काफ़ी साड़ी का जो काफ़ी मुझे कपड़ा मिल गया था जो इसका घेर बहुत अच्छा और बहुत फ्लेयर बहुत अच्छा आया था, क्योंकि इसमें मुझे पल्लू नहीं मिला था इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा मिल गया था। तो आप लोग देख सकते हैं हैं। उसके बाद है ये मेरी फोर्थ नंबर की साड़ी, ये है लाइट ग्रीन कलर की है, ये भी ये तो कंप्लीट प्लेन थी, इसमें कुछ भी नहीं था, कंप्लीट प्लेन थी ये, तो इसमें तो काफ़ी मतलब मैंने सोचा था कि इसको एनहेंस करने के लिए क्या करूं, तो ये मुझे जो छोटी वाली लेस है आप लोग देख रहे हैं, ये जो छोटी वाली गोल्डन कलर की लेस है जो कमर पर, ये मुझे 30 रुपये आई थिंक मीटर मिली थी, और ये जो नेक पे इसमें ये सेम लेस थी जो ब्रॉड थी थोड़ी सी, ये मुझे 50 रुपीज़ मीटर मिली थी, ये मैंने नेक और स्लीव्स पे लगाई है आप देखें, और ये थ्री फोर्थ लेंथ की मैंने स्लीव्स बनाई है, तो ये छोटी वाली सिर्फ मैंने कमर पे ली थी, और ये देखें ये बड़ी वाली जो है ये जो थोड़ा ब्रॉड था ये वाली मैंने नेक पे और स्लीव्स पे ली थी, क्योंकि अब ये प्लेन थी काफ़ी तो इसको इन्हेंस करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो ताकि सिंपल थोड़ा सिंपल भी लगे स्टाइलिश भी लगे। और ये जो पूरा कंप्लीट जो घेर है ये भी अम्ब्रेला में बनाया हुआ है अम्ब्रेला कट में, तो इसका जो जितना भी घेर निकला हुआ है ये सारे घेर में नीचे मैंने ये वाली लेस लगाई है, और जो मिडिल में है ये बहुत सिंपल लग रहा था तो मैंने इस तरीके के मेरे पास स्टोन रखे हुए थे गोल्डन में, तो मैंने ये स्टोन दूर 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 ऐसे ही अच्छे से लगा दिए, तो ये काफ़ी फिर उससे गेटअप आ गया सिंपल, और कहते हैं ना सिंपल और सोबर अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो ये मेरा एंकल लेंथ तक है, फ्लोर टच नहीं है एंकल लेंथ है, और अम्ब्रेला है, और ये इसका जो दुपट्टा है ये भी मेरे पास रखा हुआ था, तो ये एज अ कॉम्बिनेशन में मुझे अच्छा लगा तो मैं इसके साथ ही पैर अप कर लिया मैंने, और ये ऐसी वाली लेस भी मैंने इसमें चारों तरफ लगा ली। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ ना दुपट्टे रखती हूँ जो काम आते हैं काफ़ी, कि मुझे कुछ कॉम्बिनेशन अगर ऐसा मिक्स मैच करना हो या तो फिर हो जाए, तो ये सडनली मुझे मिल गया तो ये मैंने इस पर भी इस तरीके से लगा ली, और इसके साथ भी मैंने प्लेन कलर का इसी तरीके का चूड़ीदार पैर किया था। चलें अब बारी आती है ये रानी कलर की साड़ी है जो पिंक कलर की, ये भी कंप्लीट प्लेन थी ये आप देखें, और ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी हुई थी, तो मैंने फिर इसका जो ब्लाउज पीस होता है वो नेट का ब्लाउज पीस था, मैंने उसको
स्लीव्स में ले लिया, उसकी स्लीव्स बना ली फुल स्लीव्स, ये देखें। और जो ये, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ये जो नेट है, ये नेट का ब्लाउज़ था, इसको मैंने स्लीव्स बना ली। ये जो गोल्डन कलर की लेस थी जो नेट में थी, ये मैंने यूज़ कर ली स्लीव्स में। और ये कंप्लीट प्लेन थी, तो थोड़ा वी शेप का नेक देखे, मैंने इसे नी लेंथ के थोड़ा नीचे तक इसका टॉप बनाया था। और फ्रंट स्लिट है, हल्का सा नीचे से कट है फ्रंट से, इस तरीके से ये कुर्ती बनी थी। और लाइनिंग भी इसी तरीके का सिल्क में लाइनिंग था। और ये कुछ जॉर्जेट की साड़ी थी एक्चुअल में, तो काफ़ी प्लेन और ट्रांसपेरेंट सी थी, तो इसके लिए लाइनिंग यूज़ करना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके से मैंने उसका डिज़ाइन करके ये कुर्ती बनाई थी, जो ब्लैक दुपट्टा और ब्लैक प्लाजो के साथ में मैं पैर अप करती थी। चलें, अब नंबर आता है फाइनली लास्ट साड़ी की। ये मेरी येलो कलर की साड़ी थी, जो मेरे ससुराल की तरफ से आई थी मेरे रिसेप्शन की। ये मैंने रिसेप्शन में पहनी भी थी, आई थिंक एक ही बार पहनी थी, उसके बाद से मैंने पहनी ही नहीं थी, क्योंकि बहुत हेवी लगती है मुझे इस टाइप की साड़ियाँ, तो मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ इसे प्रॉपरली, इसलिए फिर मैंने पहना ही नहीं, बस एक ही बार पहना था। इसका मैंने फ़ोटो अटैच किया है, आप देख लेना। इसका जो बॉर्डर है ना, ये रेड कलर, ये जो एक्चुअली में रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, जो रेड कलर का जो बॉर्डर था ये मैंने फ्रंट में लगा दिया था। स्लीव्स तो एज इट इज़ प्लेन ही थी, और इसे भी मैंने अम्ब्रेला कट में बनाया था। और ये भी फ्लोर टच है, बहुत अच्छा फ्लोर टच गाउन बना था ये कम्प्लीट अम्ब्रेला में। इसका पहले मुझे अम्ब्रेला कट निकाल लेना पड़ा, मतलब विदाउट बॉर्डर, बॉर्डर कट करके निकाली, अम्ब्रेला कट किया, और उसके बाद से फिर से मैंने इसे बॉर्डर अटैच की। ये सिंगल बॉर्डर थी, ये इस तरीके की मैंने डबल बॉर्डर इसमें अटैच की है, तो इस तरीके से फिर ये फ्लोर टच गाउन बन गया। और इसका जो पल्लू का हिस्सा था वो मैंने एज इट इज़ साइड में रखा हुआ था, किसी और काम में लूँगी ये सोच के। तो ये देखिए, इसकी इस तरीके से काफ़ी चौड़ी अच्छी खासी बॉर्डर निकल गई थी, जो साड़ी की कंप्लीट साड़ी में थी, कोई 6 मीटर की साड़ी में बॉर्डर काफ़ी सारी थी, तो इसको मैंने ले लिया। ये मेरी लास्ट साड़ी थी जो मैंने डिज़ाइन की है, ये देखिए इसका इतना अच्छा फ्लेयर आया ना, बहुत अच्छा फ्लेयर आया इसका, ये देखिए। इसका जो पल्लू था, ये पल्लू की कपड़ा मैंने रखा हुआ था, तो लास्ट में मैंने वही चीज़ की कंजूसी, इसमें भी मैंने वही किया। इसका जो पेटीकोट होता है उसको मैंने अंदर एज अ लाइनिंग यूज़ कर लिया, और उसके ऊपर पैरअप करने के लिए मैंने मैचिंग ये नेट का दुपट्टा लिया था। आई थिंक ये 200 रुपीज़ का आया था, ये देखें इस तरीके से था। ये भी बहुत सिंपल था, तो इसको इन्हांस करने के लिए भी कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने वही सिंपली उसके ऊपर जो ये देख सकते हैं आप लोग गोल्डन कलर की जो स्टोन थे वो मैंने यहाँ पे दूर दूर लगा दिए, स्टिक कर दिए। देखें ये मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिए, तो ये कम्प्लीटली इसके साथ चला जाता है ये वाले गाउन के साथ, और अच्छा एक अच्छा लुक आया था। मैंने एक बार पहना था लेकिन मैं पिक्चर लेना भूल गई। ये देखें, उसके बाद सेम कंजूसी, इसका जो ये देख रहे हैं आप, इसका जो पल्लू था, पल्लू के पार्ट से मैंने ईवा के नीचे का घेर निकाला, और ये मैंने ऊपर उसके लिए भी एक छोटू सा गाउन बना लिया जितना घेर बचा था उससे। और ये जो रेड कलर के कपड़े से ही उसके मैंने नीचे बॉर्डर सिंगल लगा दी, और रेड कलर के कपड़े से ही मैंने उसके बटन बना दिए, तो ये छोटू सा ईवा का गाउन बन गया था, जो माँ बेटी का दोनों मैचिंग हो गया था ड्रेस, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, हम दोनों ने एक दिन पहना भी था, बट मैं पीछे लेना भूल गई, यही हो गया। तो ये देखें काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों को कैसी मेरी वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।